हाय गाइस, आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया वो बेबी केयर प्रोडक्ट है, जो कि बेबी की स्किन को सॉफ्ट, सप्पल एंड स्मूथ रखेगा और ड्राई नहीं करेगा और बेबी को इचिंग फीलिंग नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है, जो कि बेबी की स्किन को मॉइस्ट रखेगा और ड्राइनेस नहीं देगा, और जो ड्राइनेस का जो भी फैक्टर है उसको कम करेगा। जब भी आप ये क्रीम लगाओगे तो आप बेबी की स्किन ग्रो करेगी, बेबी की स्किन ग्रो करेगी और जो इनिशियल फेज रहता है तो उसमें ये क्रीम बहुत ही हेल्प करेगा बेबी की स्किन को ग्रो करने में। एंड जो विटामिन ई वगैरह इसमें डाला गया, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके बेबी की स्किन के लिए, और कोई भी आपको बेबी को देखेगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका बेबी, जो कि इस क्रीम में बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। तो इस क्रीम का नाम है अठा ग्लो क्रीम। इस क्रीम के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया उसका नाम है अठा ग्लो क्रीम। ये 100 ग्राम में रहता है, क्रिशो फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बेबी की स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो आज बेबी केयर प्रोडक्ट अपने पास है जिसका MRP है 275 फॉर 100 ग्राम। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्रिशो फार्मा के द्वारा रहता है और PRT इसको बहुत ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अठा ग्लो क्रीम इज ए स्किन मॉइस्चराइजर क्रीम होता है, जिसको फॉर्मुलेट किया जाएगा स्पेशली सॉफ्ट स्किन फॉर बेबी के लिए। तथा इसके अंदर कंटेंट की बात करें या इंग्रेडिएंट की बात करें तो एलोवेरा, विटामिन ई, केरामाइन एंड बेरेन सीड ऑयल डाला गया है, जो कि हेल्प करता है, नरेशियस स्किन देता है तथा रिड्यूस करता है रैशेस को और ड्राइनेस को, तथा ये हेल्प करता है वाटर लॉस को जो कि बेबी की स्किन से होता है, तथा ट्रांस एपिडर्मिस वाटर लॉस कम करता है। तथा इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल कंटेंट डाले गए हैं, जैसे कि इधर मैं दिखा देता हूँ आपको। एलोवेरा बर्बिडेंसी लिप जूस है, ग्लिसरीन, सिटाइल एल्कोहल, स्टराइल इथाइल, सिट्राइल स्ट्रेट एंड विटामिन ई, सोडियम लॉरेट सल्फेट एंड बहुत सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट है, जो कि मैं साइड में दिखा देता हूँ आपको। इसका बेनिफिट क्या है कि जब आपके पीडियाट्रिक आपको प्रिस्क्राइब करता है तो इस क्रीम के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि जब भी आप परचेज करें तो इसको इसके लेबल को अच्छी तरह से रीड कर दें, उसके बाद ही बेबी पे लगाएं, और तथा इसका एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना। एंड गाइस, इसका बेनिफिट ये है कि मॉइस्चर करता है एंड स्मूथिंग करता है बेबी के स्किन को, नरिशियस करता है स्किन को, तथा हेल्प करता है रिड्यूसिंग वाटर लॉस को, तथा यूजफुल है हीलिंग स्किन कंडीशन जैसे कि इचिंग में, रैशेस में और इरिटेशन में, तथा एटोपिक डर्मेटाइटिस को प्रिवेंट करता है, तथा ये रिटेनिंग ऑफ स्किन बैरियर को करता है, तथा बैरियर बना के रखता है, तथा नरिशमेंट करता है स्किन को, तथा मेक सॉफ्ट एंड सप्पल स्किन बना के रखता है। तथा इसको यूज़ करने का है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ करने का और बेबी के एरिया के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सफिशियंट क्वांटिटी में लेना का है उसके बाद मसाज करने का है एज पर फिजिशियन के। जब भी आप ले तो इसके लेबल को अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ ले तथा बच्चों से थोड़ा दूर रखे, तथा इसको यूज़ करने का है डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग, तथा इसको मिनिमम 5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग यूज़ करने का, 5 साल के ऊपर उसके, और जैसे आपको डॉक्टर देते हैं उसको, तथा एक्सटर्नल के लिए है, तथा इसको स्टोरेज करने का है रूम टेम्परेचर पर, इसको फ्रीज वगैरह नहीं करने का है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको कम रेट में पाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आपको कम रेट में परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।